वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वो मकाम है जहाँ लुईस मार्गरेट पुल तामीर किया गया था, यानी सतह समंदर से 6,800 फुट की बुलंदी पर। इस पुल की तकमील के बाद लोग इसको दूर दूर से देखने आते, क्योंकि उस दौर में बरेसगीर पाक हिंद में ये पुल अपनी नौइयत का पहला मंसूबा था जो इंजीनियरिंग का शाहकार समझा जाता था। इस रेलवे लाइन की तामीर में काफ़ी जानी और माली नुकसानात हुए। तामीर के दौरान कसीर तादाद में मज़दूर काम में शामिल रहते, जिनकी तादाद 10 से 15 हज़ार होती। तामीरात के दौरान आसाती अमवात के अलावा एज़ा और दीगर बीमारियों की वजह से तकरीबन 2,000 अमवात हो गईं, जिसकी वजह से बाज़ अवकात काम रोकना पड़ा। लेकिन मुख्तलिफ तफरी और मनफियती तरगीबा देकर मज़दूरों को वापस बुलाया जाता और काम फिर से शुरू होता। उस दौर में लोग इस पुल को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। ये कब और कैसे तामीर हुई तो सुनिए। अठारह में रूसी फ़ौज ने मर्व तुर्कमानिस्तान की तरफ पेशकदमी की। इन हालात में बरतानवी हुकूमत ने फौरी तौर पर सिब्बी अरनाई रेलवे लाइन पर काम शुरू किया, बल्कि काम में उस वक़्त ज़्यादा तेज़ी आई जब 1884 में मर्व पर रूस ने अपना कब्ज़ा जमाया। जुलाई 1884 में अरनाई सेक्शन पर काम शुरू हुआ। मेजर जनरल ब्राउन, जो रेलवे लाइन और आयनी पुलों की तामीरात के माहिर थे, को रेलवे का चीफ इंजीनियर मुकर्रर किया गया। चपर रिफ्ट के नाम से मशहूर संगलाख पहाड़ी इलाके से रेलवे लाइन गुजारना जान जोखम का काम था। लाइन ऊंची पहाड़ी इलाकों से गुजारकर एक ऐसे मकाम पर पहुंचाई गई जहां पर दो पहाड़ों के दरमियान शिगाफ था और पानी की गुजरगाह भी थी। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक लाइन मिलाने के लिए 220 फुट ऊँचे पुल की ज़रूरत थी। मज़ीद ये कि लाइन को एक पहाड़ी सुरंग से गुजार कर दूसरी पहाड़ी सुरंग में दाखिल कराना भी था। इस काम के लिए ख़ास तकनीकी महारत वाले अफराद को बुलाया गया। उन अफराद को रस्सियों के ज़रिए ऊंची पहाड़ी से लटका कर उतारा जाता, जहां मस्नूई प्लेटफार्म पर खड़े होकर पहाड़ी में 6 सुराख एक तरफ और 6 सुराख दूसरी तरफ करके डायनामाइट से पहाड़ के उस हिस्सा को
जहाँ से सुरंग निकाली थी उड़ाया गया। जनवरी 1887 के दौरान शाही जोड़ा द रॉयल आइनेस एंड डचेस ऑफ कोनार्ड क्वेटा आए थे। इस दौरान शाही जोड़े ने इस पुल का इफ्तिताह किया था। इस इफ्तिताह के बाद पुल ड्यूक की बेगम मार्गरेट लुईस के नाम से मौसूम हुआ। इस शाकार पुल को देखने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1922 में क्वेटा आमद के बाद पुल का दौरा किया। उनके लिए एक मखसूस आज से धकेलने वाली ट्रॉली पुश ट्रॉली बनाई गई थी जिस पर चांदी का प्लेट चढ़ाया गया था। प्रिंस ने इस ट्रॉली में बैठकर पुल का मुआयना किया था। ये मखसूस ट्रॉली क्वेटा रेलवे के पास महफूज थी। लुईस मार्गरेट पुल का शुमार बरसगीर के मिसाली पुल के तौर पर होता था। आज भी लोग शारक रोड, जो चपर रिफ्ट के नाम से भी मशहूर है, से गुज़रते हुए इस तामीर होने वाली इंजीनियरिंग के बाकियात को हैरत और दिलचस्पी से देखते हैं। ग्यारह जुलाई 1942 के दिन शदीद बारिशों और सैलाबी पानी आने की वजह से पुल टूट गया, लेकिन उसकी दोबारा तामीर नहीं हुई। 1944 में फैसला हुआ कि रेलवे लाइन को कच्छ और जरदालू स्टेशन के माबैन बंद किया जाए और उसके साथ पुल पर मौजूद लोहे के गार्डर भी उतार लिए गए, और इस तरह से ये रेलवे सर्विस अपने अंजाम से दो चार हुई।